हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी टाइपिंग की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को हिंदी टाइपिंग बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग हिंदी टाइपिंग को 5 क्लास के अंदर सीख लेंगे, जिनमें से मैंने आपको 3 क्लास जो है दे दी है और ये हमारी 4थी क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम लोग हिंदी टाइपिंग में नंबर रो की आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कौन से नंबर रो से कौन सा हिंदी का अक्षर बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो अंदर सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जो है ये जो इस कीबोर्ड में जो ऊपर की साइड में ये वाली नंबर रो है, इनकी को आप हिंदी टाइपिंग में कैसे यूज करोगे और कौन सा की दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है, कौन सा सिंबल बनता है, उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आपको इस कीबोर्ड में राइट साइड में ये जो नंबर कीपैड मिलता है, इस कीबोर्ड को आपको कैसे यूज करना है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी टाइपिंग में मैंने आपको होम रो की प्रैक्टिस करना सिखा दिया है, अपर रो की प्रैक्टिस करना सिखा दिया है और बॉटम रो की प्रैक्टिस करना सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है जहां पर आप क्लिक करके पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट को आराम से देख करके हिंदी टाइपिंग सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये वाले नंबर कीपैड की बात करते हैं। ये जो नंबर कीज दिए गए हैं, इनको आप हिंदी टाइपिंग में कैसे यूज करोगे और कौन सा की दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनेगा, कौन सा सिंबल बनेगा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इन की को दबाने के लिए आपको जो है अपना हाथ यहीं पर रखना है। कैसे आप इनको पाओगे उसके बारे में भी बताता हूं। फिलहाल ज्यादातर लोग जो है हाथ उठाकर ही इन की को प्रेस कर लेते हैं, और अगर नंबर की जरूरत पड़ती है तो वो लोग राइट कीबोर्ड में ये जो राइट साइड में नंबर कीपैड है इसका यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप यहीं पर रह करके इन सभी को यूज कर पाओगे। सबसे पहले हम लोग जो है इस हाथ की उंगलियों की बात करते हैं। तो देखिए, इस हाथ में जो भी उंगलियां हैं आपको जो है सबसे पहले इसको यहां से प्रेस कर देना है, और इसको यहां से 2 की को जो है इससे प्रेस करना है, और इसके बाद जो ये वाली आपकी उंगली है इससे इसको प्रेस करना है, फिर यहीं पर आ जाना है, फिर इससे इसको प्रेस करना है, यहां पर आ जाना है, फिर इससे इसको और इससे इसको प्रेस करके यहीं आ जाना है। फिर ये वाली उंगली की बात करें इस हाथ में की, तो इससे जो है आपको इसको प्रेस करना है, फिर यहां आ जाना है, फिर इसको प्रेस करना है, फिर यहां आ जाना है, फिर ये वाली उंगली से इसको प्रेस करना है, फिर ये वाली उंगली से इसको प्रेस करना है, और ये वाली से इसको भी प्रेस करना है। इन दोनों को भी जिसमें आपको सहूलियत मिलती है वही आप प्रेस कर लीजिए। जैसे कि अभी के टाइम में आप देखोगे कि मैं यहां इसको प्रेस कर ले रहा हूं और इसको भी, लेकिन मैं इसको प्रेस करने के बाद जब इस तरह से मेरा हाथ ज्यादा घूम रहा है तो मैं क्या करूंगा, इससे भी इसको भी प्रेस कर सकता हूं, तो ज्यादा मुझे सहूलियत मिल रही है इसको प्रेस करने में। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर रो की प्रैक्टिस की उंगलियों से सही तरीके से कर पा रहे हो, उसी तरीके से आपको कर लेनी है। इसके अलावा ये वाली की और ये वाली की जो बची है इनको आपको जो है ये लास्ट वाली जो उंगली है इसी से ही प्रेस करना है, बाकी इसको आप इससे प्रेस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इन की को प्रेस करने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है, या फिर कौन सी मात्रा बनती है, या फिर कौन सा सिंबल बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना शिफ्ट का, ठीक है। शिफ्ट बटन आपको नहीं दबाना है, सीधा सीधा इन बटन को दबाने से कौन सा अक्षर कौन सा सिंबल बनता है। तो देखिए, सबसे पहला ये जो की है, अगर आप इस की को सीधा सीधा प्रेस करते हो तो वृक्ष वाला जो री की मात्रा होती है वो वाली मात्रा जो है इससे बनती है। सिर्फ और सिर्फ इसी को प्रेस करोगे तो वृक्ष में जो वृ की मात्रा होती है वो वाली मात्रा इससे बनती है। इसके बाद अगर आप जो है सीधा सीधा इस की को प्रेस करते हो तो एक ही टाइप होता है, और सीधा सीधा इस की को प्रेस करोगे तो 2 ही टाइप होगा। इसी तरीके से इसको प्रेस करोगे तो 3 ही टाइप होगा, और इसको प्रेस करोगे तो 4, और इसको प्रेस करोगे तो 5, इसको करोगे तो 6, इसको करोगे तो 7, इसको करोगे तो 8, इसको करोगे तो 9, इसको करोगे तो 0। यानी ये जो नीचे वाले अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही जो है इसमें टाइप होते हैं। इसके अलावा जब अगर आप इस की को प्रेस करते हो सीधा सीधा तो माइनस वाला सिंबल बनता है, इसको जो है इंग्लिश में हाइफिनेशन का सिंबल बोलते हैं। अगर आपको डैश वाला सिंबल लगाना है तो आपको इस की को प्रेस करना होगा। इसके अलावा अगर आप इस की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है त्र बनता है, यानी त्रिशूल वाला त्र अगर आपको बनाना है तो सीधा सीधा आपको ये की को प्रेस करना होगा। अब बात करते हैं कि इन की को अगर आप शिफ्ट बटन के साथ दबाते हो तो हिंदी का कौन सा अक्षर या फिर कौन सी मात्रा बनती है। तो देखिए, अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाली की को दबाते हो तो लट, जैसे हम लोग लिखते हैं तो नीचे एक इस तरह से पाई नहीं होती है, वही वाली जैसे स्वागतम आप लोग लिखते हो तो नीचे म के नीचे थोड़ी सी पाई रहती है, तो वो वाली पाई वाला सिंबल यहाँ से यूज होगा।
होगा शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करने से, ठीक है। आपको ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उससे भी देखते रहना है। इसके बाद जो है अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो जो ऊपर की साइड में सिंबल बना है इसको जो है संबोधन सिंबल बोलते हैं, इंग्लिश में जो है इसे एक्सक्लेमेशन सिंबल बोलते हैं। तो यही सिंबल बनता है शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करने से। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो स्लैश का सिंबल बनता है, इस तरीके से जो पाई होती है, जो आपको ये क्वेश्चन मार्क के नीचे जो है ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है यही सिंबल बनता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ अगर आप हैच को प्रेस करते हो, मतलब इसको प्रेस करते हो, तो रू बनता है, रुपए वाला रू इससे जो है बनता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाला की को प्रेस करते हो तो प्लस का सिंबल बनता है, और इस वाले की को प्रेस करते हो तो क्लोन का सिंबल बनता है, दो बिंदी, ठीक है, जो ये वाली बिंदी दिखाई दे रही है इसी तरीके से जो है इस वाली की को प्रेस करने से बनता है, जिसको जो है हिंदी में अनुपात का सिंबल बोलते हैं। और इसी तरीके से शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करने से जो है इन्वर्टेड कामा का सिंबल बनता है, हिंदी में अगर आपको इन्वर्टेड कामा लगाना है तो इस वाली की को दबाना होगा, और शिफ्ट के साथ अगर आप इस की को दबाते हो तो हाइफनेशन का सिंबल लगता है। ये जो आप ऊपर सिंबल दिखाई दे रहा है ना ये वाला, अगर ऐसा सिंबल आपको बनाना है तो शिफ्ट के साथ आपको जो है ये वाला बटन को प्रेस करना होगा। इसी के साथ अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाला बटन को प्रेस करते हो तो इन्वर्टेड कामा बंद होता है, इससे इन्वर्टेड कामा शुरू होगा और इससे क्या होगा बंद होता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो अर्धविराम का चिन्ह लगता है, यानी सेमी कॉलन का सिंबल बनेगा ये वाला जो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये सिंबल बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ ये वाले बटन को प्रेस करना होगा, इसको अर्धविराम का सिंबल बोलते हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो समृद्ध में जो ध बनता है, आधा ध रहता है फिर द रहता है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वही वाला सिंबल अगर आपको बनाना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करना होगा। इसके अलावा जो है शिफ्ट के साथ अगर आप जो है इस बटन को प्रेस करते हो, री बनता है, ऋषि वाला री अगर आपको बनाना है तो इस बटन को प्रेस करना होगा। इसके अलावा शिफ्ट के साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ड के नीचे जो मात्रा आती है बिंदी वाली, वो वाली मात्रा जो है आप इससे बनाओगे। तो इस तरीके से जो है आप ये ऊपर वाले नंबर जो कीपैड दिए गए हैं इनका यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि राइट साइड में जो कीपैड दिया गया है इसको आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए एक से लेकर के नौ तक का इसी तरीके से अगर आप प्रेस करोगे तो यही वाले एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब यही वाले जो है अक्षर बनेंगे जो इस पे टाइप हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिंबल दिए गए हैं, ये जो सिंबल हमने पीछे भी सीख लिए हैं, जैसे इससे जो है आधा ध बनता है, तो इसको भी प्रेस करोगे तो आधा ध बनेगा। इसके बाद जो ये स्टार बना हुआ है अभी हमने यहाँ पर सीखा है शिफ्ट के साथ ये स्टार ही प्रेस होता है, तो इससे जो है इन्वर्टेड कामा शुरू होता है। इसके बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो डैश का सिंबल माइनस जैसा बनता है वो बनेगा। इसके अलावा अगर आप प्लस को प्रेस करोगे तो मैंने आपको बताया कि ड बनाने के बाद जो नीचे मात्रा आती है वो वाली मात्रा बनेगी। इसके अलावा अगर आप इस सिंबल को प्रेस करोगे, मतलब इस की को प्रेस करोगे, तो आधा ण बनता है, जो कि मैंने आपको कल यहाँ पर जब बताया था तो बताया था इसको प्रेस करने से वही बनेगा। इसके अलावा जीरो प्रेस करोगे तो जीरो बनेगा। तो ये जो नंबर कीपैड दिए गए हैं जिसमें से इन की का इस्तेमाल करके हम नंबर ही टाइप करते हैं, और इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया है और साथ में यहाँ पर भी बताया था। जो भी चीजें दोस्तों अभी मैंने आपको कीबोर्ड में बताई है कि कीबोर्ड में नंबर कीपैड को प्रेस करने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है या फिर कौन सा सिंबल बनता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे नंबर और जो भी हिंदी का अक्षर है ये बिना शिफ्ट की को दबाए हुए ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिना शिफ्ट के ये सारे बनेंगे। इसके अलावा आपको नीचे की साइड में ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं हिंदी के, साथ में कुछ जो है सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आपको नंबर पैड से बनाना है तो इसके साथ आपको शिफ्ट की को दबाना होगा। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है एक से दो पेज, और इसके बाद जो है आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी नंबर कीपैड को आप प्रेस कर रहे हो उससे क्या बन रहा है ये आपको याद करते हुए भी चलना है। इससे क्या होगा कि जब आप इन फ्यूचर हिंदी टाइपिंग करोगे तो वो जो है आपको याद रहेगा कि कौन सा की दबाने से कौन सा अक्षर बन रहा है। इसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है, तो नीचे अब आपको जो है कुछ यहाँ पर मैंने शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों को आपको टाइप करना है। ये जो शब्द बनेंगे वो आपके नंबर रो से भी बनेंगे, होम रो से भी बनेंगे, अपर रो से भी बनेंगे और बॉटम रो से भी बनेंगे। तो इन्हीं शब्दों को आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। आपको जो है एमएस वर्ड चालू कर लेना है, इसके अंदर जो है कृतिदेव फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद टाइपिंग करना शुरू करना है। आपको जो है इन्हीं पैराग्राफ की जो है प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें इसके अंदर लिखी है वही चीजें आपको हिंदी में अपने से प्रैक्टिस करनी है। और ये जो आपको हिंदी के शब्द दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कम से कम आपको 5 से 7 पेज जो है डेली आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 दिन तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें
वो सारे वर्ड मिल जाएंगे जो आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करनी है, इन सभी की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इन्हीं शब्दों को आपको जो है अपने कीबोर्ड से एमएस वर्ड में टाइपिंग करना शुरू करना है और डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और कम से कम 5 से 7 पेज आप जरूर लिखिएगा, तब आपकी टाइपिंग स्पीड जो है बढ़ेगी और सारे हिंदी के वर्ड भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।